दो चार पांच दिनों में कई तरह की बात मेरे बारे में चल रही है और उसमें मुख्यमंत्री जी भी उस तरह की बात को चलाने में शामिल हो गए हैं। जो कुछ भी पार्टी के बारे में हमने अलग अलग समय पे चर्चा की है, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बात नहीं होनी चाहिए, बात पार्टी के मंच पर की जानी चाहिए या मिलकर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा है। हमको तो जो कहना था हम तो पहले ही कर चुके हैं। सर, क्यों? एक बड़ी बात उन्होंने कह दी है। आप देख लीजिए, एक बात हमको बार बार आपको कह रहा है, ऐसा कभी आपने देखा है किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई बात होती है आपस में चर्चा होती है, प्रतिदिन उसके बारे में कोई बोला जाता है? और आप मान लीजिए कि लोग अपना इसके लिए अपनी बात ट्वीट करता है, वो सब चीज़ तो सिस्टम है नहीं। अब बार बार आप लोग पूछ रहे थे, दर्जनों बार हमसे पूछ लिए, हम तो अवॉइड ही करते रहे और हमने कहा कि भाई सब का कोई मतलब नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले किसने शुरुआत की, जब हम दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीडिया के बंधुओं से कहा कि आप उनसे कह दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी से कह दीजिए कि हमसे बात करें। अब मीडिया के माध्यम से बात करने का संदेश भेजना, यह तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही शुरू किया। अब खुद ही उन्होंने मीडिया को बीच में लाया और उसके बाद हमसे यह बात कहना कि मिलकर बात करें, पार्टी मंच पर बात करें। अब इसका अर्थ आप लोग लगा सकते हैं, शुरुआत उन्होंने की, शुरुआत हमने नहीं की। या उसको भी ना पता होगा कि कहां से शुरू हुआ, कहां गया, कौन पार्टी बनाया है, कौन पार्टी राज्यसभा में भेजा, कौन पार्टी अभी एमएलसी बनाया है और सिर्फ एमपी दूसरे पार्टी से। तो आप शुरू से जान लीजिए ना भाई। तो हम लोग तो इज्जत करते रहे हैं, चले गए फिर आए, मान लिया, चले गए फिर आए, मान लिया, वो अलग चीज है। हमको तो आश्चर्य लग रहा है, हम तो इतना प्रेम करते हैं, इतना हमारा स्नेह है कि कोई चला भी जाता है तो क्या मतलब है, जाओ भाई जहाँ जाना है जाओ। दो वर्षों में कि उपेंद्र जी आइए, पार्टी के बारे में या किसी विषय के बारे में 5 मिनट आपसे बात करनी है, आज तक कभी उन्होंने नहीं की। लोग रहते हैं उनके आसपास, 30 दिन रहने वाले लोग हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को 5 मिनट के लिए भी इन 2 वर्षों में फोन करके 5 मिनट के लिए भी बुलाकर बैठाकर उन्होंने बात नहीं की। अगर हम जो कह रहे हैं उसमें कुछ भी गलत हो तो मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करना चाहते कि जब जब मुलाकात की जरूरत हुई हमने फोन किया कि नहीं किया, कभी एक बार भी उन्होंने हमसे बात नहीं की। हम कह रहे हैं और यह हम कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी तारीख तय करें, उनकी भी संतान है, मेरी भी संतान है, कसम खाएं मुख्यमंत्री जी कि हम जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, और हम भी कसम खाएंगे कि हम जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल है, सर, एक आखिरी सवाल, उन्होंने आपको एक सीधी टिप्पणी की है, ये कह दिया है कि आपके पास भी संतान है, उनके पास भी संतान है, आप अपने संतान के सर पर हाथ रख के कसम खाइए कि ये सब बात जो मैं कह रहा हूँ वो झूठ है। नहीं, क्या पता क्या बोल रहा है, इसका कोई मतलब है? आपको संतान की बात है, आप तो जान रहे हैं, आप तो नई पीढ़ी के लोग हैं, इन लोगों से और पुराने लोगों से पूछ लीजिए, शुरू से हम लोग क्या काम किए, तो इन सब का कोई मतलब नहीं। सर, इधर भी। और मेरी तो कोई रुचि नहीं है इन सब चीजों, हमारा रुचि तो काम में। अब हम आश्चर्य हमको लग रहा है, अब प्रतिदिन मत पूछिए, अब कृपा करके आज के बाद पूछिएगा, हम आपको प्रणाम। 2009 में भी जो हम पार्टी में हमको बुलाया गया, याद कीजिए, 2009 के तुरंत पहले जिस समय हम पार्टी में आए उसके तुरंत पहले, साल भर के बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला था, लेकिन उसके पहले 2009 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस लोकसभा चुनाव में कुछ लोग लोकसभा के मेंबर बन गए थे, सिटिंग एमएलए लोग विभिन्न पार्टियों से, उनकी जगह खाली हो गई थी,
और जहाँ तक मुझको याद है 17 जगह पर बिहार में उपचुनाव हुआ था और 17 जगह पर बुरी तरह पिट गए थे। उस समय जनता दल यूनाइटेड बुरी तरह पिट गया था, हार गए थे। उस समय जो हार गए, बुरी तरह पिट गए, तो उपेंद्र कुशवाहा याद आए। इस बार 2020 में 43 पर आ गए तो उपेंद्र कुशवाहा याद आए। तो जब जब कमजोर हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया गया है और आज इस तरह की बात की जा रही है। कुशवाहा जी बोले हैं सर, कुशवाहा जी बोले हैं कि जेडीयू 43 सीट पे आ गई है तो उपेंद्र कुशवाहा का याद आता है। सब पूछ करिए कि चले गए, आए, स्वागत दे दिए, आ गए, आप उसके बाद हम लोग नहीं कुछ करेंगे, जो मन करे वो करे। पार्टी की तरफ से इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं। कहें कि 43 सीट पे जेडीयू आ गई है, तब नीतीश जी को उपेंद्र कुशवाहा याद आता है 2019 में, 2009 में जब 17 सीटों पे चुनाव हार गए थे। करे जो मर्जी करे, 43 सीट हम लोग जिए, कोई सीट नहीं जिया, फिर चला आया यहाँ काहे के लिए आया था जब 43 सीट हम लोग जिए थे सर? जेल एक अन्य मार्ग से क्यों आया? वो कह रहे हैं कि पार्टी नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए नहीं छोड़े। अरे क्यों आए फिर, क्यों आए आप बोलिए? बोले एक अन्य मार्ग से 2021 में क्यों आए? हम लोग तो 20 में उतना कम हारे ही, तो हमको तो दुख था ही, आज तक कभी हुआ? ये सबको पता है, ये सबको पता है कि हम लोगों को सीटें कम मिली क्यों, इसलिए कि जिनके साथ थे वो एक वोट नहीं दिए और उनको हमारा पूरा वोट मिला, तो ज्यादा जीते और ये हुआ। अब आप सोच लीजिए कि कोशिश कहाँ कर रहे थे।